त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मियां। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्थिक प्रणाली किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार की होती है, जिसमें मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में संपूर्ण रूप से या विस्तृत रूप से बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और इसी के साथ बताऊंगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो शुरू करते हैं आज अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक है समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी किताबी परिभाषा को जान लेते हैं। तो किताबी परिभाषा किस प्रकार की है कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार का अधिकार होता है और वह उन साधनों का उपयोग देश की जनता के कल्याण के लिए करती है, उस अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये तो हुई किताबी परिभाषा। अब इसको सरल और आसान शब्दों में समझते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ठीक उल्टा जो होता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का ठीक उल्टा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। अब आप बोल रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। यह इसलिए होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, निजी लोगों का अधिकार होता है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया कि उत्पादन के समस्त साधनों पर, अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, इस प्रकार के जो साधन इकोनॉमिक्स में माने जाते हैं, तो इसको हम दूसरे रूप में ले सकते हैं कि जैसे खेत खलिहान हो गया, बड़े बड़े जो बिल्डिंगे हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंगे हैं, ठीक है, सड़क है, रेलवे है, परिवहन है, आपकी जितने प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, उन समस्त पर क्या होता है, सरकार का अधिकार होता है। किस अर्थव्यवस्था में होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और वो जितना उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उन सभी का जो उपयोग होता है वह उस देश की जनता के कल्याण के लिए किया जाता है, अर्थात उस देश में जो लोग रहते हैं वह उनके हितार्थ इन साधनों का उपयोग किया जाता है। अर्थात जितनी सेवाओं का और जितनी वस्तुओं का प्रोडक्शन या उत्पादन एक वर्ष में होता है वह समस्त किस पे खर्च किया जाता है, किसके उपभोग पर यूज किया जाता है, वहां के देश की जनता के कल्याण पर खर्च किया जाता है। तो इस प्रकार से यह हुई समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब जानते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहली जो विशेषता है उसको देखिए कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर सरकार का अधिकार। अर्थात वस्तुओं की अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं क्या होती हैं, उत्पादित की जाती हैं, कि जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जैसे कपड़े का उत्पादन, लोहे का उत्पादन, सोने का उत्पादन, चांदी का उत्पादन, अभ्रक का उत्पादन, ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए। इस प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं इनका उत्पादन वहां पे कौन करता है, किस अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की वस्तुओं का जो उत्पादन करता है वो सरकार करती है, अर्थात सरकार की फैक्ट्रियां होती हैं और वही वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है। इसी प्रकार से आता है सेवाओं का। तो सेवाओं में कौन सी आती हैं, किस प्रकार से? बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, परिवहन हो गया। तो इस प्रकार की जो सेवाएं भी होती हैं उन सारी की सारी सेवाओं पर जो एकमात्र अधिकार होता है वह देश की सरकार का होता है। तो इस प्रकार से जो पहली विशेषता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार होता है। अब दूसरी विशेषता देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का जन कल्याण या जन हितार्थ प्रयोग। जितनी भी वस्तुएं इस अर्थव्यवस्था में उत्पादित की जाती हैं, सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, उनके उत्पादन का सरकार क्या करती है, उनके उत्पादन का सरकार जनता के कल्याण पर खर्च करती है, अर्थात जनता को बांटने का काम करती है। इसका ये मीनिंग हुआ। अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन जितना भी देश में होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, वो सब कहां खर्च होता है? वो सब खर्च होता है जनता पर, कि जिससे कि जनता का जो लिविंग स्टैंडर्ड है या उपभोग का स्तर है या जीवन स्तर है वो कैसा हो, ऊंचा उठे, लोग गरीब ना रहें, सबको क्या हो, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, उसकी जो सामान्य आवश्यकताएं हैं वो पूरी की पूरी हो जाएं। अगली विशेषता देखिए, तीसरी है केंद्रीय योजना आयोग, सेंट्रल प्लानिंग कमीशन। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में
एक केंद्रीय योजना आयोग होता है, इसे सेंट्रल प्लानिंग कमीशन कहते हैं, इसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, और वह प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक योजना बनाता है। क्या करता है? एक योजना बनाता है कि देश में एक निश्चित समय के अंदर कृषि का कितना विकास करना है, उद्योगों का कितना विकास करना है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का कितना विकास करना है, सड़कों का कितना विकास करना है, रेलवे का कितना विकास करना है, बंदरगाहों का कितना विकास करना है, इस प्रकार के कुछ उदाहरण बता रहा हूं आपको, या स्कूलों का कितना विस्तार करना है, कितने महाविद्यालय बनाने हैं, कितने प्राथमिक स्कूल बनाने हैं, कितने मिडिल स्कूल बनाने हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि ये सारे के सारे पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा इस प्रकार के कार्य वहां पर पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं और उसके बाद उस पर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। इस प्रकार से प्लानिंग कमीशन के द्वारा वहां पर पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जाती हैं, कहां पर? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में। और उसके बाद केवल योजना ही नहीं बनाई जाती है, फिर योजना पे कार्य होता है कि भाई सड़क कितनी बनी, रेलवे का विकास कितना हुआ, शिक्षा का कितना विकास हुआ, और उसका मूल्यांकन भी होता है। तो इस प्रकार का जो कार्य करने वाली वहां पर संस्था होती है, जो इंस्टीट्यूशन वहां पर होता है, वो होता है केंद्रीय योजना आयोग। तो इस प्रकार से यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता हुई। जो चौथी विशेषता है वह है प्रतिस्पर्धा का अभाव। यहां पर प्रतिस्पर्धा अर्थात नो कंपटीशन इन दिस इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन किस में होता है? कंपटीशन होता है कि जो विभिन्न प्रकार के उत्पादक होते हैं, जो एक ही वस्तु का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। कपड़े की फैक्ट्रियां हैं तो बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी, एक ही फैक्ट्री तो होगी नहीं कि जो कि सारे देश के लिए कपड़े की आपूर्ति करें, तो बहुत सारी कंपनियां होंगी। तो कंपनियां क्या करती हैं कि अपने कपड़े को, माना मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कपड़े का, तो वह उसको बेचने को लेकर क्या करेंगे, प्रतियोगिता करेंगे कि मेरा माल ज्यादा बिके, ठीक है, इसे प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो जब प्राइवेट सेक्टर का अस्तित्व नहीं होता है, सारे के सारे काम जो करती है उत्पादन का वो गवर्नमेंट करती है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा का वहां पर क्या होता है, अभाव हो जाता है। क्यों होता है, एक बार पुनः दोहरा देते हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनियां होती हैं, जो भी किसी वस्तु का उत्पादन करती हैं, चाहे लोहे का करती हैं, चाहे स्टील का करती हैं, चाहे कपड़े का करती हैं, या अदर थिंग्स का करती हैं, वो सारा का सारा प्रोडक्शन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, वहां पर कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री नहीं पाई जाती है, तो इसलिए वहां पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। पांचवी विशेषता देखते हैं, वर्ग संघर्ष का अभाव। जैसे कि मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बताया था कि उन देशों में वर्ग संघर्ष होता है, अर्थात एक होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग होता है अमीर और श्रमिक वर्ग होता है गरीब। तो जो अमीर है और जो गरीब है, इस प्रकार इन दोनों के बीच क्या हो जाती है, बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो जाती है। अमीर तबका होता है छोटा लेकिन धन होता है उसके पास ज्यादा, और जो गरीब तबका है श्रमिक वर्ग, उसकी संख्या होती है ज्यादा लेकिन धन का उसके पास भाग होता है एक छोटा सा। वहां पर पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच हमेशा क्या चलती रहती है, वर्ग संघर्ष चलता रहता है। जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, वह अपनी तनख्वाह को लेकर, अपने वेतन को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर समय समय पर क्या करते रहते हैं, हड़ताल करते रहते हैं, ठीक है। और उधर जो पूंजीपति वर्ग है वो क्या चाहता है कि मैं इनके वेतन को न बढ़ाऊं, इनको कोई फैसिलिटीज न दो, तो इस प्रकार से कई बार फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ती, तालाबंदी चलती है, हड़ताल चलती है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर सरकार ही क्या करती है, सारा कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक ही वर्ग अर्थात सारी की सारी जो सत्ता है प्रोडक्शन की करने की, वो गवर्नमेंट के पास होती है, इसलिए वहां पर दो वर्ग नहीं होते हैं, एक ही वर्ग होता है, ठीक है, सामान्य वर्ग होता है, ठीक है, पूंजीपति वर्ग वहां पर नहीं होता है। अगला यहाँ पे आता है आर्थिक विषमताओं का अभाव। क्योंकि सारा का सारा जो कि उत्पादन का सिस्टम है, जो सर्विस का सिस्टम है, उस पर सारा जो नियंत्रण है वह क्या होता है, सरकार का होता है। और सरकार क्या करती है, जितना भी प्रोडक्शन करती है, जितना भी उत्पादन करती है, चाहे स्कूल खोलती है, ठीक है, चाहे महाविद्यालय विश्वविद्यालय खोलती है, सड़क बनाती है, ठीक है, खेत खलिहानों में भारी मात्रा में क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, फसलों का उत्पादन होता है, तो उन सबको क्या करती है, वहां के लोगों को देती है, वहां के लोगों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उसका वहां पर उपयोग करती है, वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो ऐसा वह काम करती है।
तो ऐसी स्थिति में वहां पर आर्थिक विषमताएं उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात प्रत्येक का हिस्सा वहां पर क्या होता है, लगभग बराबर ही रहता है। ऐसी स्थिति में ना वहां पर कोई गरीब होता है और ना कोई क्या होता है अमीर होता है। आर्थिक विषमताएं कहां पर होती है कि जहां पर क्या होता है, एक वर्ग तो बहुत गरीब हो जाता है और एक वर्ग क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है, तो वहां पर होती है आर्थिक विषमता। अर्थात गरीबी और अमीरी के बीच जो अंतर होता है उसे आर्थिक विषमता कहते हैं। लेकिन जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहां पर आर्थिक विषमताएं देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सारे के सारा जो वितरण होता है प्रोडक्शन का वो सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो सातवीं विशेषता है वह है उपभोग और व्यवसाय की स्वतंत्रता। इस अर्थव्यवस्था में भी उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में होती है। वहां पे क्या होता है कि उपभोग करने के अर्थात अर्थव्यवस्था में जितनी प्रकार की वस्तुएं उपभोग के लिए सरकार के द्वारा उत्पादित की जा रही है तो उसको अपने हिसाब से क्या कर सकता है, वो यूज कर सकता है। उसका मन कर रहा है चावल खाना है तो चावल खा सकता है, रोटी खाना तो रोटी खा सकता है, बिस्कुट खाना तो बिस्कुट खा सकता है, उसको कपड़े पहनने हैं ठीक है, उसको सलवार पहनना, टी शर्ट पहनना, उसको जींस पहनना है, वो सब कुछ पहन सकता है। इसी के साथ यहाँ पे है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। यहाँ पे वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, किसी भी जॉब को सेलेक्ट कर सकता है। जैसे वो क्या बनना चाहता है, फौज में भर्ती होना, सिपाही बनना चाहता है तो बन सकता है, अधिकारी बनना चाहता है तो बन सकता है ठीक है, और यदि वो क्लर्क बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है, किसान बनना चाहता है तो बन सकता है। तो इस प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी क्या होता है, उपभोग करने और व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में होता है। तो एक बार पुनः समझा देते हैं आपको कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। परिभाषा देखिए कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार का अधिकार होता है और वह उन साधनों का उपयोग देश की जनता के कल्याण के लिए करती है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी के साथ मैंने आपको विशेषताएं बताई कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहला बताया वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर सरकार का अधिकार होता है। इसका अर्थ हुआ कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सरकार ही करती है, निजी क्षेत्र नहीं करता है। और दूसरा बताया वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का जल कल्याण के हितार्थ प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं वहां उत्पादित की जाती हैं वो सब जनता के कल्याण के लिए ही उत्पादित की जाती हैं। फिर तीसरी विशेषता बताई केंद्रीय योजना आयोग, वहां पर सेंट्रल प्लानिंग कमीशन होता है जो कि देश की या देश के विकास के लिए पूरी योजना तैयार करता है। अगला बताया प्रतिस्पर्धा का अभाव, अर्थात वहां पे सरकारी ही क्षेत्र होता है, प्राइवेट कंपनियां नहीं होती है, इसलिए कोई कंपटीशन वहां पे नहीं होता है। अगला बताया कि वर्ग संघर्ष का अभाव, क्योंकि वहां पर सारे कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं प्रोडक्शन संबंधी, इसलिए वहां पर सभी व्यक्ति क्या होते हैं, एक समान होते हैं, कोई एक वर्ग वहां पर हावी नहीं हो पाता है जैसे कि पूंजीवादी देशों में होता है। अगला बताया आर्थिक विषमताओं का अभाव, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमताएं देखने को नहीं मिलती है, न कोई गरीब होता ना अमीर होता है, लगभग लगभग सभी क्या होते हैं, इक्वल या समान आर्थिक स्थिति वाले स्थिति में होते हैं या समान हैसियत वाली स्थिति में होते हैं। और अगला आपको बताया अंतिम में उपभोग और व्यवसाय की स्वतंत्रता, कि इस अर्थव्यवस्था में भी व्यक्ति को उपभोग अर्थात खाने पीने पहनने रहने सहने ठीक ये क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, और इसी के साथ उसको जॉब करने की भी स्वतंत्रता होती है, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बताया। तो इस प्रकार से यह हुआ समाजवादी अर्थव्यवस्था और उसकी विशेषताएं। तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर चलते हैं, वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। थोड़ा मिश्रित को समझ लेते हैं कि जब दो वस्तुओं को हम एक साथ मिलाते हैं तो एक मिश्रण बन जाता है, तो मिश्रित हो जाती है वस्तु। जैसे कि हमने अरहर मिलाई और उसमें मलका मिला दिया तो दोनों दाल क्या हो गई, इकट्ठा हो गई ठीक है, अर्थात उसमें मलका का भी और अरहर दोनों का क्या होगा, स्वाद होगा, अर्थात दोनों दालें मिक्स हो गई तो उसको मिक्स्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे इसी रूप में भी अर्थव्यवस्था अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी समझते हैं, कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की परिभाषा भी जान लेते हैं, किताबी परिभाषा, कि जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तथा दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी न बनकर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया है वह पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके अच्छे गुण लिए गए हैं अर्थव्यवस्था में, और कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था के अच्छे गुणों को या विशेषताओं को लिया गया है। इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अच्छी विशेषताओं को लेकर और कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को लेकर तीसरी जो इकोनॉमी तैयार होती है उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात यहाँ पर क्या होता है,
कि सरकारी क्षेत्र भी उत्पादन करता है, वस्तुओं का भी करता है और सेवाओं का भी करता है, और इसी प्रकार से यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होता है और क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, कि जो भी क्या करता है वस्तुओं का प्रोडक्शन भी करता है और सेवाओं का प्रोडक्शन भी करता है। कहने का अर्थ है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उन देशों में सरकार भी क्या करती है वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है, और निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर भी क्या करता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। अब जो हमारा देश है, हमारा देश अर्थात भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो अच्छी विशेषताएं हैं उनको भी लिया गया है और समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी विशेषताओं को भी यहाँ पर लिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था हो गई वो दो अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण हो गई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे सार्वजनिक अर्थात सरकार की कौन सी कंपनियां हैं कि जो क्या कर रही हैं कार्य कर रही हैं। तो इस प्रकार से देखें जैसे रेलवे है, तो रेलवे किसके पास है सरकार के पास है, भारत सरकार का उस पर पूरा अधिकार है। इसी प्रकार से डाक है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिसों पर किसका अधिकार है सरकार का अधिकार है। इसी प्रकार से BSNL जो कि भारत संचार की क्या है दूर संचार कंपनी है, ठीक है, BSNL अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड या MTNL दूसरी कंपनी है, वो भी भारत सरकार की कंपनी है। तो दोनों कंपनियां क्या करती हैं कि आपको टेली कम्युनिकेशन देने का काम करती है, आप उसे फोन कर सकते हैं, आप इंटरनेट सेवा का लुत्फ उठा सकते हैं, ओके। और इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं यहाँ पे, जैसे आप देखते हैं कि एयरटेल, ठीक है, हम पूछते हैं आपके पास सिम कौन सा है, एयरटेल का है, किसी के पास आइडिया का है, किसी के पास वोडाफोन का है, किसी के पास रिलायंस जियो का है। तो रिलायंस जियो जैसे एयरटेल है, आइडिया, वोडाफोन, एक ऐसी कंपनी है प्राइवेट कंपनी है, तो ये कंपनी भी काम कर रही है भारत में और सरकारी कंपनी भी क्या कर रही है काम कर रही है। तो इस प्रकार जहां पर दोनों क्षेत्र अर्थात निजी क्षेत्र अर्थात प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर जिसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, दोनों सेक्टर क्या करते हैं कार्य करते हैं, तो उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अगला यहाँ पे आता है कि एक जो दोनों सेक्टर होते हैं इनका जो काम होता है वो होता है देश का विकास करना। देश का विकास करने का अर्थ है कि वहां रहने वाले लोगों का कल्याण करना, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं देना, प्रोवाइड करना। तो इस प्रकार से इन दोनों में कंपटीशन नहीं होता है बल्कि दोनों मिलकर क्या करते हैं देश का विकास करते हैं। कौन कौन करते हैं? निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, इसको हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तो हुई मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अब जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कौन कौन से फीचर होते हैं इसके, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता देखिए, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व, अर्थात इस अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में बताया कि जैसे भारत में प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही हैं और सरकारी कंपनियां भी क्या कर रही हैं काम कर रही हैं, दोनों मिलकर काम कर रही हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का काम एक ही है कि देश को हमें क्या करना है आगे बढ़ाना है या देश की जनता को अधिक से अधिक सेवाएं क्या करनी है उपलब्ध करानी है। अगला आता है इसमें केंद्रीय योजना आयोग, यहाँ पर भी क्या होता है अर्थात जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है यहाँ पर प्लानिंग कमीशन होता है, जैसे भारत में क्या है प्लानिंग कमीशन, उसका वर्तमान में नाम बदल कर दिया गया है नीति आयोग। तो भारत में जो योजना आयोग उसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। अब क्यों की गई थी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय हमारे देश की जो कंडीशन थी बहुत पुअर थी, तो देश का एक चरणबद्ध तरीके से विकास करना था, तो ऐसे में सरकार के पास चुनौती थी कि कैसे किया जाए, तो इसलिए योजना आयोग की स्थापना की गई, उसको अधिकार दिया गया कि आप क्या करेंगे कि 5 साल के लिए देश में योजना तैयार करेंगे, अर्थात देश के विकास करने के लिए 5 साल की योजना क्या करेंगे तैयार करेंगे, ठीक है, कि सड़क का कितना विकास करना है, कितने स्कूल खोलने हैं, कितने हॉस्पिटल खोलने हैं, कितनी रेलवे लाइन बिछानी है, कितने एयरपोर्ट बनाने हैं, ठीक है, फसलों का उत्पादन कितना करना है, तो ये सारा का जो सारा काम दिया गया वो योजना आयोग को दिया गया, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय योजना आयोग होता है, तो भारत में केंद्रीय योजना आयोग है जिसका नाम वर्तमान में नीति आयोग है, ठीक है। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी वो बनी थी 1951 में, तो जिसका जो लक्ष्य था वो था कृषि का विकास करना। फिर दूसरी योजना बनी, उसका लक्ष्य रखा गया उद्योग धंधों का विकास करना। तो पहले में कृषि का लक्ष्य रखा गया क्योंकि उस समय हमारे देश में कृषि का उत्पादन बहुत कम था, तो लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए था, अन्न चाहिए था, तो जब अन्न क्या होगा ज्यादा पैदा होने लग गया तो फिर गया ध्यान किस पे, इंडस्ट्रीज पे,
उद्योग धंधों पे गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया कि उद्योगों का विकास करना है। इस प्रकार से चलते चलते हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली और वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को सरकार ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। अगली जो विशेषता आती है वह होती है इसी में आर्थिक नियोजन, जिसकी मैं चर्चा भी कर रहा था कि जो केंद्रीय योजना आयोग होता है वो क्या करता है कि यहाँ पर आर्थिक नियोजन अर्थात 5 साल की योजना बनाता है और उस योजना में जो जो भी लक्ष्य तैयार किए जाते हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है, उनका मूल्यांकन करता है। यदि एक योजना में वो प्राप्त नहीं होते हैं तो उसको अगली योजना में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसको आर्थिक नियोजन कहते हैं कि जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। अगला आता है अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी सरकार का उद्देश्य क्या होता है कि अपने देश की जनता का क्या करना है, कल्याण करना है। कल्याण करने का अर्थ क्या है, कल्याण करने का अर्थ ये नहीं कि उनको पीटना है, कल्याण करने का अर्थ है कि जिसके पास अन्न नहीं है उसको अन्न उपलब्ध कराना है, ठीक है। अर्थात जो गरीब है उसको ऐसी सुविधाएं देनी है कि जिससे कि उसका विकास हो सके, उसका गरीबी का जो जीवन है वो खत्म हो सके और वह धीरे धीरे अपर क्लास की ओर या थोड़ा धीरे धीरे धनी होता चला जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। आप जानते हैं कि भारत क्या है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। वर्तमान में लगभग देश की जनसंख्या जो है वो कि 1,35,00,000 के आसपास पहुंच गई है, कि जो कि 2021 में जनगणना के बाद ही पता चलेगा कि इसकी संख्या कितनी है। तो इतने बड़े समाज में क्या है कि देश में एक बहुत बड़ा जो तबका गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, उसके पास 2 जूल की रोटी भी उपलब्ध नहीं है। तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि जिनके पास इतना अन्न इतना धन है कि ठीक है वो खर्च ही नहीं हो पाता है, अथवा धन संपत्ति है, ठीक है, ठाठपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति क्या है झोपड़ी में रह रहा है, ठीक है, और एक महलों में रह रहा है। तो अधिकतम सामाजिक कल्याण करने के लिए हमारे देश में क्या होता है कि जो गरीब तबके हैं उनके लिए सरकार क्या करती है कि जैसे मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है, इसी प्रकार से हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा भी लोगों को क्या किया जा रहा है, राशन बांटा जा रहा है, अर्थात सस्ते दाम पे गरीब लोगों को राशन दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे चीनी दे दिया, दाल दे दिया, इसी प्रकार से चावल गेहूं, ठीक है, इस प्रकार का वितरण किया जाता है कि जिससे गरीब लोगों का कल्याण हो सके। इसी के अलावा हम देखते हैं कि जो विकलांग लोग हैं उनके कल्याण के लिए भी सरकार काम करती है कि जो विकलांग है उनको विकलांग पेंशन योजना प्रदान करती है कि जिससे कि उनका क्या हो, जीवन वसर हो सके, ठीक है। ये जो विधवाएं हैं या जो वृद्ध लोग हैं उनको भी क्या करती है, वृद्धावस्था पेंशन देती है। इस प्रकार के तमाम प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, वो भी गरीब तबके के विकास को करने के लिए। अगली देखिए इसकी जो विशेषता है वह है उपभोग व व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी क्या होता है, उपभोग अर्थात किसी भी चीज को पहनने की स्वतंत्रता होती है। जैसे मेरी टी शर्ट पहन रखी है, हम टी शर्ट पहन सकते हैं, मेरी मर्जी कुर्ता है मैं कुर्ता पहन सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी जैसे मैं टोपी लगा सकता हूँ, चश्मा पहन सकता हूँ, जूता किसी भी प्रकार का पहन सकता हूँ। तो इसकी क्या है, स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से क्या मकान बना सकता हूँ, जमीन ले सकता हूँ, स्वतंत्रता है उपभोग करने की, ओके। इसी प्रकार से व्यवसाय जॉब करने की स्वतंत्रता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, कि नेवी में जाना चाहते हैं, ठीक है, इन्फेंट्री में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, या कोई शॉप खोलना चाहते हैं, अपना कोई निजी रोजगार खोलना चाहते हैं, सब क्या है, व्यक्ति इसको करने के लिए स्वतंत्र है जो कि सरकार के द्वारा लीगल घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह यहाँ पर भी क्या होता है, उपभोग और व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। अगला है इसी में आता है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं यहाँ पर निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। अर्थात निजी संपत्ति जैसे आपका मकान है तो आपके नाम पे है, आपके पास जमीन है तो आपके नाम पे होगी, यदि कोई फैक्ट्री का मालिक है तो फैक्ट्री के मालिक के नाम पे क्या होगा, फैक्ट्री होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। अर्थात हमारे देश में यदि इंडिया की बात करें तो सभी लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, और लोगों के पास क्या निजी संपत्ति, अपना मकान है, ठीक है, किसी की अपनी दुकान है, किसी की अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, ठीक है, किसी के कल कारखाने हैं, तो इस प्रकार के उनकी व्यक्तिगत क्या है, संपत्ति है, तो उसको सरकार क्या करती है, छीन नहीं सकती है। तो इस प्रकार से ये अंतिम विशेषता हुई कि निजी संपत्ति रखने का अधिकार। तो इस प्रकार से यह थी तीसरी अर्थव्यवस्था जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, और यह अर्थव्यवस्था भारत ने अपनाई, क्योंकि जब भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी कमजोर थी, क्योंकि न उसके पास पूंजी थी, ठीक है, तो उस समय प्राइवेट सेक्टर तो काम नहीं कर सकता था, जो काम करना था सरकार को करना था, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि
अधिकांश काम जो थे पहले अपने आप किए, फिर धीरे धीरे निजी क्षेत्र भी क्या हुआ आगे बढ़ता चला गया। अभी वर्तमान में देखते हैं कि सरकार की जो हिस्सेदारी है वर्तमान में वो धीरे धीरे क्या हो रही घटती चली जा रही है और जो प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो एक बार पुनः ले लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं कि जिसमें क्या होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों क्या करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। और ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि जिससे कि लोगों का कल्याण हो, अर्थात देश में रहने वाले लोगों का कल्याण हो। और इसी में आता है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं और जो पब्लिक सेक्टर होता है वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है, इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। लेकिन वर्तमान हम देखें तो इनमें भी क्या होता है प्रतिस्पर्धा होती है। कि जैसे BSNL है, तो BSNL जो है जैसे कि हम एयरटेल की बात करें, आइडिया की बात करें, वोडाफोन की बात करें या जियो फोन की बात करें, उसके सामने क्या है BSNL टिक ही नहीं रहा है। सरकारी कंपनियां क्या है डूबती चली जा रही हैं। तो यहाँ भी कंपटीशन होता है, ठीक है। ये तो सैद्धांतिक है, यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल देखें आपकी वर्तमान में कंपटीशन है, ठीक है। कि जियो के ग्राहक क्या हो बहुत ज्यादा हो गए, एयरटेल के ग्राहक ज्यादा हो गए और BSNL के MTNL के ग्राहक जो है लगातार क्या हो रहे हैं घटते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये व्यवहारिक पहलू है। अब इसी की विशेषताओं को भी देख लेते हैं कि संक्षेप में कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, कि जो ये मिश्रित व्यवस्था होती है इसमें दोनों क्षेत्र काम करते हैं, सरकार भी करती है और प्राइवेट सेक्टर भी करता है। जैसे अमेरिका का सिटी बैंक भी यहाँ पे काम कर रहा है, तो भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी काम कर रहा है। इसी प्रकार से केंद्रीय योजना आयोग होता है जिसको वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देशों में होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश की नहीं है, पाकिस्तान की भी जो है वो मिश्रित या मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे क्या होता है कि आर्थिक नियोजन, जैसे प्लानिंग कमीशन क्या करता है आर्थिक नियोजन बनाता है, पंचवर्षीय योजना बनाता है। इसी प्रकार से अधिकतम समाज कल्याण, अर्थात समाज का कल्याण करना है, उनको सुख सुविधाएं प्रदान करना है। इसी प्रकार से उपभोग और व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी उपभोग कर सकते हैं जो कि वैधानिक है और कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं जो कि वैधानिक है। इसी प्रकार से निजी संपत्ति रखने का अधिकार, अपना जो घर है, खेत है, खलिहान है वो आपके नाम पे है, फैक्ट्री है तो ठीक है आपके नाम पे है, किसी पर चक्की है उसके नाम पे है, दुकान होगी तो उसके नाम पे होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये निजी संपत्ति रखने का अधिकार कहाँ पर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। तो एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं बताई, उसके बाद बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं बताई। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए।